रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़ी मदद मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, किम जोंग ने रूस की मदद में भेजे हजारों सैनिक। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कुछ दिन पहले पुतिन और किम जोंग की मुलाकात हुई थी और दोनों देशों ने कई बड़े समझौते किए थे। रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने भेजे हैं 12,000 सैनिक। मामले को लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक की। राष्ट्रपति यून सुक योयल ने आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़ी मदद यहां पर मिली है। किम जोंग ने रूस की मदद में हजारों सैनिक भेजे हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया और इस दावे के मुताबिक किम जोंग की तरफ से रूस को यहां पर मदद दी गई, हजारों सैनिक भेजे गए हैं। कुछ दिन पहले पुतिन और किम जोंग की मुलाकात हुई थी और दोनों देशों ने कई बड़े समझौते यहां पर किए थे। रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने भेजे 12,000 सैनिक और इस पूरे मामले को लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक बुलाई। राष्ट्रपति यून सुक योल ने आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दर चर्चा हुई क्योंकि जिस तरह से यहां पर बड़ी मदद दी गई है, क्योंकि पुतिन और किम जोंग की कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी और दोनों देशों में कई समझौते हुए थे।